स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आप लोग बेल बटन जरूर दबाएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाला है और आप लोग आराम से पढ़ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट है। तो पहला पार्ट में बोला है 30th टर्म ऑफ द AP 1074 ब्लैंक इज, तो चार ऑप्शन है 97, 77, -77 और -87, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो मेरे को बोला है 30th टर्म, तो मेरे को पता है कि n मुझे निकालना है, ठीक है। अगर n मुझे निकालना है तो n मेरे को कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 10 और d मुझे दिया हुआ है आपका, निकालना पड़ेगा d मुझे निकालना पड़ेगा किस तरह से, a2 माइनस a1 देखे। तो A2 कितना है मेरा 7 और A1 है 10, देखिए ये A2 है ये A1 है, तो 7 माइनस 10 हो जाएगा आपका -3। तो मेरा कॉमन डिफरेंस निकल गया -3। अब मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला लगाऊँगा An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। तो आपका A कितना है 10 प्लस N कितना है 30 माइनस 1, डी का जगह आप लगाइए -3, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3। तो 10 प्लस 29 इंटू -3 तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, तो आपको प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 29 इंटू 3 हो जाएगा आपका 87। तो आपका आ जाएगा आंसर एन, जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -77। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट वाला 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 इज, ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हमें बताना इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले क्या, मेरे को an मुझे पता है 11, n हो जाएगा आपका 11, ठीक है। a मुझे दिया हुआ है -3, d मेरा निकलेगा आपका a2 माइनस a1 वाला फार्मूला से, तो a2 आपका हो जाएगा -1/2, a1 हो जाएगा -3। क्यों, ये माइनस जो है ये यहाँ से आ रहा है a2 माइनस a1 का, और ये वाला जो माइनस है ये 3 का आगे पहले से ही है, तो ठीक है। यहाँ पर चलो गलती करते हैं, मैंने इसलिए यहाँ रुक के बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से समझिएगा। तो -1/2 +3 हो गया, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस, देखो यहाँ एलसीएम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 / 2 और 1 का एलसीएम 2, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 5/2, ठीक है। ये हमारा आया डी। अब हमें क्या निकालना है, हमें बोल रहा है 11th टर्म, तो हमें निकालना है A11, क्या निकालना है A11। तो फॉर्मूला हो जाएगा A+11 - 1D, तो ए कितना हमें दिया हुआ है -3 प्लस 11 - 1 = 10 और डी कितना है हमारा, डी है 5/2, तो 5/2 इधर लगा दो इस तरह से। अच्छा 10 जो है 2 से कटता है, बीच में इंटू भी है तो हम लोग काट सकते हैं, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा -3 प्लस 5 × 5 = 25। तो -3 प्लस 25 कितना हो जाएगा 22, तो आंसर जो हमारा आ जा रहा है वो आ रहा है बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, बहुत अच्छा। तो मुझे यहाँ दिया हुआ है A1, A1 दिया हुआ है 2, मुझे निकालना है A2। अच्छा तो देखिए A2 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, A2 को मैं लिख सकता हूँ A+D। आपको पता होगा कोई भी AP इस फॉर्म में रहता है A+D, A+2D, A+3D। मैंने ये बताया था इंट्रोडक्शन में, जिसने नहीं देखा है वो लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पहले कर लीजिएगा। ये वाला जो होगा वो A1 टर्म होगा, ये वाला होगा A2, ये वाला A3, ये वाला A4, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट वाला होता है A+N - 1D, जो क्या होता है AN टर्म, ठीक है। तो A+D करेंगे तो देखो A मुझे पता है 2, लेकिन क्या मुझे D पता है, नहीं पता है, तो D मुझे पहले निकालना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले D निकालना पड़ेगा। तो D निकालने के लिए क्या करूँगा, देखो मुझे पता है A3 कितना है 26, और A3 का फॉर्मूला क्या है A+2D,
इसको अलग कर देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना आए कुछ, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो ए थ्री का नीचे मैंने ए प्लस टू डी लिख लिया, ओके ए कितना है 2 + 2d = 26। 2d = क्या हो जाएगा, ये जो प्लस टू है ये इधर जाके माइनस टू हो जाएगा, तो 26 - 2 हो जाएगा, तो 2d = कितना हो जाएगा 24। और d कितना हो जाएगा 24/2, दैट इज इक्वल टू d = 2 × 12 = 24, तो d आ जाएगा 12। अच्छा अब यहाँ देखिए ए टू निकालना है, तो ए प्लस डी मतलब क्या, 2 + 12 बैठाइए कितना आ जाएगा 2 + 12 = 14, ठीक है। तो जो ए टू हो जाएगा वो हमारा 14 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए वन मिसिंग है, ए वन मिसिंग है, ए टू ए थ्री मिसिंग है। तो मैं क्या करूँगा, ए टू लिख लूँगा, दिया हुआ है मुझे 13, और मुझे क्या दिया हुआ है गिवन में, मेरे को ए फोर दिया हुआ है, ए फोर दिया हुआ है कितना 3। तो ए टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस डी इक्वल टू 13, ठीक है, क्योंकि ए टू मतलब ए प्लस डी, ये मैंने 1 ले लिया। वैसे ए फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 3d = 3, क्योंकि ए फोर क्या है, ए फोर ए थ्री होता है, ए प्लस 3d होता है, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ये रहा ये दिखे है ना। तो ए प्लस 3d = 3, इसको हम लोग ले लेंगे 2। अब आपने लीनियर इक्वेशन अगर किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ आपने इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी ए का कोफिशिएंट 1 है, दोनों 1 है 1 है, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहेंगे। तो ए हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d = 3, ए प्लस d = 13। क्या होगा सबट्रैक्टिंग में, क्या होगा, ये जो नीचे वाला जो मैं लिख रहा हूँ, मैं किसको माइनस कर रहा हूँ, 2 को 1 से, इसलिए मैं 2 को नीचे लिख रहा हूँ, और सॉरी 2 को मैं नीचे लिखूँगा, 1 को ऊपर लिखूँगा, तो 1 होगा ए प्लस डी इक्वल 13, ये नहीं होगा, 2 नीचे होगा, ए प्लस 3d = 3 नीचे होगा, क्योंकि 2 को 1 से माइनस कर रहा हूँ, तो 2 को नीचे लिखना है। अब क्या होगा, यहाँ पे सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस है, ये हो जाएगा आपका -3d, और ये हो जाएगा -3, क्योंकि सब प्लस में तो साइन चेंज। अब a माइनस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a माइनस ए 0 होता है, और ये d - 3d कितना हो जाएगा -2d, 13 - 3 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, तो d = देखिए आप ध्यान से 10 - -2, माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो d हमारा कितना आ गया -5। अगर डी आ गया तो ए वन में निकल जाएगा, ध्यान से देखिए कहीं भी बैठाइए ए निकल जाएगा, जैसे कि इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 कीजिए, देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ए प्लस -5 = 13। देखिए तो ए प्लस माइनस, तो ए माइनस ही हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ए माइनस 5 हो गया, ए इक्वल टू 13, ये माइनस 5 क्या होगा, राइट साइड में जाकर प्लस 5 हो जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा 18, ए आ गया 18। अब यहाँ देखिए, जब मेरा ए आ गया तो मतलब क्या, ए वन मेरे को आ गया 18, ए वन आ गया, अब मुझे क्या निकालना, ए थ्री भी निकालना, तो ए थ्री क्या, ए प्लस 2d, तो ए पता है मेरे को 18, डी पता है मेरे को -5, बैठा दो 18 माइनस और 2 5 जगह हो जाएगा 10, तो 18 - 10 कितना हो जाएगा 8, समझ गए। तो आपका ए वन आ रहा है 18 है ना, और ए थ्री आ रहा है 8, दोनों आ गया आपका, ये वाला 18 आ गया और ये वाला आ गया 8। वैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन में क्या है, ए वन गिवन है 5 और ए फोर गिवन है 9 1/2। तो ए वन जो है 5 है, ए फोर है 9 1/2, मुझे निकालना है ए टू और ए थ्री,
तो मेरे को पहले ए और डी पता चलेगा तो मैं ए टू ए थ्री निकालूंगा। याद रखना, जिसको ए और डी पता है वो आराम से कोई भी टर्म निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए फोर को मैं लिख सकता हूँ 9 2 18 9 2 9 18 18 प्लस 1 19 19 बाई टू करूँगा मैं इसको, ठीक है। और ए फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 3D। तो ए मुझे दिया हुआ है 5, तो बैठा दूंगा 5, तो 5 प्लस 3D इक्वल टू 19 बाई टू आ गया। अब यहाँ देखो 5 को उस तरफ ले जाऊंगा मैं, तो 3D इक्वल टू 19 बाई टू माइनस 5 कर दूंगा। 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 माइनस 10 बाई टू आ जाएगा एलसीएम करने पर, ठीक है। नीचे 2 आएगा एलसीएम और ऊपर में 19 माइनस 10 आ जाएगा एलसीएम। देखो मैंने सिखा रखा है बार बार, मेरे कई वीडियो में मैं प्रॉपरली बताता हूँ, ठीक है। तो 19 माइनस 1 हो जाता, 10 हो जाता है आपका 9, 9 बाई टू हो गया ये। अब ये जो डी है वो 3 और डी एक साथ इंटू में है, इसका मतलब है 3 इंटू डी, ठीक है। तो जब 3 इंटू डी है तो 3 राइट साइड जाएगा तो नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा इस तरह से। तो 3 1 3 3 3 9 कट जाएगा, डी आ जाएगा आपका 3/2, डी आ गया 3/2। अब ए टू निकल जाएंगे आराम से, ए टू इक्वल टू ए प्लस डी, ए कितना है 5, डी कितना है 3/2। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे, 5 करने से कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, है ना। तो 13/2 आ गया आपका आंसर A2। अच्छा इसी तरह से हम लोग क्या निकालने वाला, और एक A3। तो ये कर लेंगे A प्लस 2D, ठीक है। ये आप लोग कर लिए, ठीक है, डू इट योर सेल्फ, ये आप लोग कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए क्या आता है आपका A3, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 4 में बोला है -4 दिया हुआ है और 26 दिया हुआ है, तो मतलब A1 दिया हुआ है मेरे को -4, A2 नहीं दिया हुआ है, A3 नहीं दिया हुआ है, A4 नहीं दिया हुआ है, A5 नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट A6 दिया हुआ है 26। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, A6 को A प्लस 5D इक्वल टू 26। तो A कितना है -4, बैठा दूंगा -4 प्लस 5D इक्वल टू 26। देखो D निकल जाएगा मेरा यहाँ से, 5D इक्वल टू 26 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब कितना 30। तो 5D इक्वल टू 30 आ गया, D इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, ये 5 जो है राइट साइड में आकर डिवाइड हो जाएगा, और D इक्वल टू 5 1 5 5 6 30, D आ जाएगा 6। अब D आ गया, A भी पता है तो A2 निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, देखो कैसे A प्लस D, है ना। तो A कितना आ जाएगा -4 प्लस D कितना 6 2। इसी तरह से A3 आ जाएगा A प्लस 2D करके, तो ए कितना है -4 और 2 इंटू 6, -4 प्लस 2 6 12, 12 माइनस 4 8। इसी तरह से A4 और A5, ये दोनों आप लोग निकालिए, निकाल के कमेंट में लिखिए, ठीक है आंसर, डू इट योरसेल्फ, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे को दिया भाई A2 1 2 3 4 5 6 और A6 दिया हुआ है। A2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस D इक्वल टू 38, A6 का जगह मैं लिख सकता हूँ A प्लस 5D इक्वल टू -22। तो A प्लस D इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इक्वल टू -22। तो ये दो आ गए, फिर यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ले लूँगा इक्वेशन 1, इसको ले लूँगा इक्वेशन 2, सॉल्व करूँगा। तो क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 को पहले लिख लेंगे क्योंकि उससे माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू -22। अब सब्ट्रैक्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, नीचे वाले का,
तो हम लोग क्या करें, टू को वन से माइनस कर रहे हैं, तो टू नीचे लिखेंगे, वन ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद देखिए सबका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि नीचे जो है वो अगर वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। जैसे ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे माइनस है, इसको रीड करेंगे माइनस 5 डिग्री और इसको रीड करेंगे प्लस 22। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कई बच्चे जानते नहीं है कि ये प्लस नीचे आ गया कैसे, ठीक है। और माइनस करने के टाइम में फिर वो माइनस पकड़ के करते हैं। अब क्या है, साइन चेंज हो गया, अब ये माइनस 22 नहीं रहा, अब ये प्लस 22 हो गया, ठीक है। अच्छा, ए माइनस है 0 हो गया, डी माइनस 5 डी माइनस 4 डी हो जाएगा, और 38 प्लस 22 आपका हो जाएगा 60। डी इक्वल टू 60 बाय माइनस 4 हो जाएगा, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, डी आ जाएगा 15। तो देखो 15 बाय माइनस 1 होगा तो जो ये नीचे माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, डेनोमिनेटर में माइनस नीचे नहीं रहता, हमेशा ऊपर चला जाता है। तो डी आपका हो जाएगा माइनस 15, ठीक है, डी आपका हो जाएगा माइनस 15। अब मुझे निकालना है ए वन, तो पुट करेंगे वो इक्वेशन वन में तो मिल जाएगा ए वन, है ना। पुट करता हूँ, थोड़ा जगह बना लेता हूँ प्रॉपरली। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन में मेरा ए प्लस डी कितना है आपका, माइनस 15 इक्वल टू 38। ये रहा इक्वेशन वन, है ना, इसी इक्वेशन में मैंने बैठाया है ये वाला इक्वेशन में, ठीक है। तो ए माइनस 15 इक्वल टू 38 हो जाएगा, और 15 अगर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 38 प्लस 15 हो जाएगा, और 30 और 40 और इधर पे आपका आ जा रहा है टोटल करके 53, ठीक है, ये आ गया 53, ये निकल गया। A3 निकालेंगे तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D, तो ये 53 है प्लस 2D कितना है, माइनस 15। 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 टू 30, तो 53 माइनस 30 क्या हो जाएगा आपका, 23। तो A3 भी आ गया। इसी तरह से A4 का और A5 का, ये दोनों आप लोग करके कमेंट में जरूर दीजिएगा DIY। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ प्रॉपरली, लेकिन दो मैं कर रहा हूँ तो दो आप कीजिए, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप भी सीख जाओगे। खाली वीडियो देखोगे तो क्या होगा, एक दिन याद रहेगा अगले दिन भूल जाओगे, लेकिन अगर यही दो क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये करके अगर आप कमेंट में डालोगे, तो कमेंट में आप लिखोगे चलो वो आपका मर्जी है, लेकिन ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद रहेगा। और कमेंट में अगर आप लिखते हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी ऑनलाइन में मुझसे पढ़ते हैं या ऑफलाइन में पढ़ते हैं, सभी मुझसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।